You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. पिछले सर्मन में हम रूहुल कुद्स के बारे में सीख रहे थे संडे को कि क्रिसमस पर इस सीजन में होली स्पिरिट का बहुत अहम करैक्टर है और आज भी हम रूहुल कुद्स के हवाले से सीखेंगे। आए मेरे सर गलतियों 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत लिखे, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। आमीन। सो रूहुल कुद्स को जब हम स्टडी करते हैं तो होली स्पिरिट का सीड, होली स्पिरिट की प्रेजेंस जब हमारी ज़िंदगी में आती है तो उसका फ्रूट जो है वो ज़ाहिर होता है, उसका फल जो है वो ज़ाहिर होता है। किसी भी बीज को जब बोया जाता है उसका दरख्त उस बीज की शिनाख्त देता है कि उसके जो बीज है वो किस चीज़ का था। अपने फल से दरख्त अपनी पहचान देता है। सो कई मर्तबा हम इस चैप्टर पर बहुत ध्यान देते हैं कि रूहुल कुद्स से, होली स्पिरिट से भरा हुआ शख्स वो शख्स है जो गैर ज़ुबान बोलता है, नबूवतें करता है या वो इम्तियाज की रूह रखता है और हम इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन रूहुल कुद्स की, होली स्पिरिट की सिर्फ यही आइडेंटिफिकेशन नहीं है बल्कि जब भी आपकी ज़िंदगी में होली स्पिरिट आएगा तो आपकी ज़िंदगी में ये फ्रूट होगा और उस फ्रूट का जो पहली तरतीब है उसमें लिखा है लव, मोहब्बत। और जो कुछ मैं आपको कह रहा हूँ यही कुछ अगर आप अपनी बाइबल खोलें तो उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि रूह का फल क्या है, मोहब्बत, लव। और खुदा सिर्फ हमें ही मोहब्बत का दर्श नहीं देता कि खुदा आपको कह रहा है कि आप मोहब्बत करें, आप सीखें दूसरों से मोहब्बत करें, बल्कि खुदा ने इससे पहले कि वो हमें मोहब्बत का दर्श दे, टीचिंग दे, उसने प्रैक्टिकल खुद मोहब्बत की है। खुदा ने खुद हमसे प्रैक्टिकल लव किया है और यीशु मसीह उस मोहब्बत का नतीजा है। यूहन्ना की इंजील 3 बाब में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, अपना जो बेस्ट था वो दे दिया। जब हम मोहब्बत करते हैं तो हम अपना बेस्ट देते हैं, जब हमें मोहब्बत नहीं होती तो हम अपना बेस्ट नहीं देते। सो इस क्रिसमस पर खुदा ने अपनी मोहब्बत का इंसान से इजहार किया है और अपना बेस्ट, उसका अपना बेस्ट क्या है कि उसने अपना आप तजस्सुम करके हमें दे दिया है और हमने उसका ऐसा जलाल देखा है जैसे बाप के इकलौते का जलाल। दिस इज लव। जब हम अपना आप दे दें, पेश कर दें और अपनी जिंदगी में चेक करें कि कौन सी चीज बेस्ट है, अहम है, बेहतर है और हम उसे
अपने मोहब्बत करने वाले को दे दें कि मुझे इससे मोहब्बत है, दिस इज माई बेस्ट फॉर यू। और तब तक कोई भी मोहब्बत के जुनून में, मोहब्बत की स्पिरिट में खुदा को अपना बेस्ट नहीं दे सकता जब तक उसके अंदर खुदा का रूह नहीं उतरता। वरना हमें खुदा से भी बेस्ट चीजें लगेंगी, हमें लगेगा कि खुदा से भी बेहतर कोई है। खुदा तो नजर नहीं आता, लेकिन ये नजर आने वाला है, नजर आने वाला इवेंट है, ये बेहतर है। लेकिन खुदा के नज़दीक जो कुछ उसका बेस्ट है उसने मोहब्बत में दिया है, और वही रूह वो हम पर उतारता है, उसी रूह को, जिस रूह के बारे में हम ये गाते हैं, एलिया पर जो रूह थी, यशवा पर जो रूह थी, नबियों पर जो रूह थी, वही रूह मेरी जिंदगी पे आए। खुदा उसी रूह को जिसमें मोहब्बत है, जब उस रूह को हमारे अंदर उतारता है तो हमारे अंदर से मोहब्बत निकलती है। होली स्पिरिट का काम सिर्फ हमारे अंदर आकर गैर जुबानी बोलना नहीं है कि हम ये निशानी रख लें कि फलां शख्स को गैर जुबान मिली है, यस इसके पास जो है वो होली स्पिरिट है। रूह से खाली शख्स कभी मोहब्बत नहीं कर सकता, ये भी सबूत है। पालूस रसूल की जिंदगी में ये एक्सपीरियंस हुआ, उसने ऐसे लोगों का ग्रोह देखा कि जो गैर जुबान बोल रहे थे, जो नबूवत कर रहे थे, जो ईमान में भरे हुए थे, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो नेमतों से लबरेज थे, भरे हुए थे, लेकिन रूह के फल से खाली थे। और फिर उसने उनकी मुखालफत की। आए मेरे साथ पहला करंथियों और उसका 13वां बाब लिखे, अगर मैं आदमियों की जुबान बोलूं, पहली आयत में लिखा अगर मैं आदमियों की क्या बोलूं, जुबान बोलूं। यकीनी तौर पर हम इंसान होते हुए हमारी एक जुबान है, और हर खित्ते में रहने वाले इंसानों की जुबान है। सपालूस कहते हैं अगर मैं उनकी जुबान बोलूं, और फरिश्तों की भी जुबान है, फरिश्ते एक दूसरे के साथ बात करते होंगे ना, खुदा के साथ बात करते, उनकी एक लैंग्वेज है। वो कहते हैं कि अगर मैं फरिश्तों की भी जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कौन सा ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांचू, जिसका साउंड है टेस्ट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक हलवाई खोया बनाता हो और आपको बहुत आवाज आती हो कि वो करछी जो है वो जोर जोर से अपने बर्तन के अंदर चला रहा है, अपने देचके के अंदर, और बड़ी आवाज, बड़ी धमक, आपको लग रहा हो कि किचन में या बोर्ची खाना में कोई काम कर रहा है, आज जी कुछ बन रहा है, आवाज आए और बाद में आपको खोया दिया जाए तो सारा कड़वा हो, लगाओ और बेजायका हो। आंखें जी वाजें बड़ी आती है, साउंड बहुत है लेकिन टेस्ट नहीं है। सो मोहब्बत रूह के फल के बगैर आप साउंड रखने वाले क्रिश्चियन हैं, जिनकी आवाज है, जिनकी धमक है, और आप बगैर पानी के बादल हैं। बगैर पानी के बादल ज्यादा गरजते हैं, बिन पानी के बादल ज्यादा गरजते हैं, लेकिन जिन बादलों में गरज होती है वो गरजते कम और बरसते ज्यादा, उनमें फर्क होता है। सो दिस इज हाउ पालूस रसूल देख रहा है कि चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जो फोकस है
वो रूहानी नेमते हैं, वो आदमियों फरिश्तों की जुबानें बोलते हैं, लेकिन अगर मोहब्बत नहीं रखते तो वो ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ है। लिखे कि अगर मुझे नबूवत मिले, नबूवत एक नबी का ऑफिस है, और नबी के बारे में बात करना ये इजी नहीं है, लेकिन पालूस रसूल इस पॉइंट पर चर्च को सख्ती से सिखा रहा है। वो कह रहा है कि अगर मुझे नबूवत मिले और मैं नबूवत करूं और सारे जो भेद हैं, जो भेद हैं उसका मुकाशफा मुझे मिल जाए, मुझे पता हो इस भेद का मतलब यह है, इस पर्दे के पीछे ये बात है, और इससे बढ़कर मेरे पास कुल इल्म हो, ये सारी नेमतों की बात है, इल्मियत की नेमत, मेरे पास कुल इल्म हो और ईमान भी एक नेमत है, और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत ना रखूँ, गिफ्ट्स रखूँ, नेमतें रखूँ, ईमान रखूँ, गैर जुबान रखूँ। यानी ये ऐसे ही है कि आप एक तराजू लें और उस तराजू के दो हिस्से होते हैं, एक तरफ उस बाट में आप नबूवत डाल लें, फरिश्तों की जुबान रख दें, और फिर आप ईमान अपना रख दें, आप रूहों का इम्तियाज रख दें, और फिर आप कुल इल्म रख दें, भेदों का मुकाशफा रख दें। और वो कहता है कि अगर मैं मोहब्बत न रखूं तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें दूसरों को उस वक्त फ़ायदा देती हैं जब आप मोहब्बत रखते हैं। ये किसने मुकाशफा उसके ऊपर खोला है? होली स्पिरिट ने। होली स्पिरिट का ग्रैंड एक्सपीरियंस है। कई मरतबा हम किसी की बात कबूल नहीं करते क्योंकि हमें लगता है मेरा बेस्ट और बिग बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन रूहुल कुद्स से बड़ा किसी का इस दुनिया में तजर्बा नहीं है। रूहुल कुद्स ये टीचिंग देता है और खुदा को इस चीज का तजर्बा है, क्योंकि खुदा के पास कुल इल्म है, खुदा के पास पूरी कुदरत और पूरी मामूरी है। अगर खुदा अपने अंदर पूरी कुदरत, पूरी मामूरी और पूरा अपना कादिर होने का रुतबा रखे, अगर वो इंसान के साथ यीशु की सूरत में मोहब्बत नहीं करता तो हमें उसके कादर होने का कभी तजर्बा नहीं होता, उसके इतना कुल इल्म होने का हमें तजर्बा नहीं होता। वो जो कुछ भी है, खुदा सब कुछ है, और वो जो कुछ भी है उसका हाउ नाउ, उसका जैसे भी हमें मालूम हुआ है, वो उसके जुल्म से नहीं, उसकी मोहब्बत से मालूम हुआ है, और उसने यीशु की सूरत में हमें इजहार दिया है। अब हम यीशु के सबब से जानते हैं, मोहब्बत की वजह से जानते हैं कि खुदा कादर मुतलिक है और उसके पास सब कुछ है। सो सेम, अगर आपकी जिंदगी में बहुत सारी रूहानी चीजें, आप रूहानी चीज को रिमेंबर, ईमान के बगैर खुदा से नहीं ले सकते और मोहब्बत के बगैर इंसान को दे नहीं सकते। खुदा से लेने के लिए आपको ईमान की जरूरत है, और इंसान को देने के लिए आपको मोहब्बत की जरूरत है। यू गेन बाय फेथ, आप खुदा से लेते ईमान से हैं, लेकिन इंसान के अंदर मुंतकिल मोहब्बत से करते हैं। इवन दो आपकी दुआओं का जवाब भी नहीं मिलेगा अगर आप दूसरों से नफरत करते, मोहब्बत नहीं करते। सो आपकी शिफायत, आपकी मिनिस्ट्री, आपकी खिदमत, आपके अंदर मुकाशफात, रूह की मामूरी, आग,
मसा उसी वक्त मुंतकिल होता है जब आप मोहब्बत रखते हैं, लव रखते हैं। और खुदा ने भी अपने रहम को, बाइबल मुकद्दस में उसकी सिफ्त लिखी है कि वो रहीम, करीम, कहर करने में धीमा और शफकत में। हमें कैसे पता हो कि वो रहीम, करीम और कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है? उसने अपने बेटे के थ्रू हम पर जाहिर किया कि वो कैसा कद्र मुतलिक है। आमीन। अपने बेटे के थ्रू। इसलिए अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, अगर आप देना चाहते हैं, तो फिर देने का एक ही सोर्स है, एक ही जरिया है, और वो मोहब्बत है। वरना आपकी दुआएं आप तक महदूद रहेंगी और वो दूसरे तक अपना असर नहीं छोड़ेंगी। लव आपकी प्रेयर्स को इफेक्टेबल करता है, असर पैदा करता है। मोहब्बत आपके लफ्जों में असर को पैदा करती है। मोहब्बत आपकी दुआओं में असर को पैदा करती है। मोहब्बत आपकी शफायत में असर को पैदा करती है। और मोहब्बत के बगैर आप जो कुछ भी हैं उसका कोई असर नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। अब पहली बात, एक मसीह से खुदा ये एक्सपेक्ट करता है, एक तवक्का करता है एक रूहानी शख्स से कि वो मोहब्बत करने वाला हो। एक वो शख्स जो गैर जुबान बोलता है, दुआ करता है, कलाम पढ़ता है, खुदा उससे ये तवक्का रखता है कि उसमें मोहब्बत हो। क्योंकि खुदा की नुमाइंदगी, खुदा को शो आप दूसरों तक सिर्फ मोहब्बत के जरिए कर सकते हैं। इसलिए खुदा की ये डिमांड है कि आपके अंदर मोहब्बत हो। और याद रखें, दुनिया में बहुत सारी ऐसी मोहब्बतें हैं, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। दुनिया की जो मोहब्बत है वो गार्बेज है खुदा की मोहब्बत के सामने। हकीकी और असली मोहब्बत खुदा की है, क्योंकि इस मोहब्बत में जितना ज्यादा हम गहरे होते हैं, ये मोहब्बत हमें बचाती है। खुदा की मोहब्बत का मुकाशफा ही हमारी जिंदगी के बचने के लिए बहुत है, सिर्फ उसकी मोहब्बत का मुकाशफा। इफ वी ओनली नो द रेवलेशन ऑफ लव ऑफ गॉड, अगर हम खुदा की मोहब्बत का सिर्फ मुकाशफा जानते हैं, तो ये हमारे लिए काफी है कि हम निजात पा सकते हैं। सुनिखे कि अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं हूं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं, तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं है। सो जो कुछ खुदा हमें दे रहा है, उसके पीछे मकसद किसी भी शख्स का मुंह बंद कराना नहीं है। कई मरतबा कभी कभी हमने किसी को कुछ देना नहीं होता, लेकिन वो इतना ज़्यादा दरवाज़ा खटखटाते हैं, इतना ज़्यादा फ़ोन कॉल करते हैं, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, उस डिस्टर्बन की वजह से हम उसे दे देते हैं ताकि हम डिस्टर्ब ना हो। खुदा इस सूरत में नहीं देता। कई मरतबा घर में कोई बेटा या बेटी इसलिए कोई काम कर देता है कि बहुत बोला जाता है, या बार बार कोई वालदा या वालद पानी मांगता रहे तो आकर उठकर चलो दे ही देने हैं, मांगदा ही बहुत पे। खुदा हमें इस तरह से नहीं देता। खुदा हमारे साथ उकताया हुआ सलूक नहीं करता। खुदा जो कुछ भी देता है, उसके पीछे जो खुदा का मकसद है वो मोहब्बत है। वो उस मोहब्बत को बढ़ाना चाहता है, वो उस मोहब्बत को अपने और इंसान के दरमियान कायम करना चाहता है। क्या हम इसलिए चर्च आते हैं
कि खुदा से मोहब्बत बढ़े। क्या हम इसलिए हदिया जात और जो कुछ खुदा को देते हैं ताकि हमारी मोहब्बत बढ़े, या हमारा पर्पस कुछ और है? लेकिन खुदा का पर्पस एक ही है कि हम उसकी मोहब्बत में गहरे होते जाएं। फिर इस मोहब्बत के बारे में बताया गया कि इस मोहब्बत का एटीट्यूड क्या है, इस मोहब्बत का रवैया क्या है। नंबर वन, जो खुदा मोहब्बत करता है और बाइबल जिस मोहब्बत की तालीम देती है, वो मोहब्बत का जो एटीट्यूड है वो साबर है। उस मोहब्बत के अंदर क्या है? सबर। सबर का मतलब है वेट करने वाला लव। और खुदा की जो मोहब्बत है वो हमारे साथ वेट करने वाला लव है। कई मर्तबा हमसे ऐसी गलतियां, ऐसी खताएं, ऐसी बुरी हरकत होती हैं कि उसी लम्हा वो हमें छोड़ सकता है, वो हमें धुतकार सकता है। लेकिन खुदा की मोहब्बत के अंदर सब्र है, और बाइबल मुकद्दस में इस सब्र के बारे में खुदावंद कहता है कि सब्र को पूरा काम करने दो। Are you hearing me? आप मेरी बात सुन रहे हैं? खुदा अपने सब्र को पूरा काम करने देता है। बिलीव मी, मैं एक जगह पर कह रहा था कि अगर मैंने 20 साल की उम्र में जाकर खादम बनना होता और 15 साल की उम्र में मैं बहुत बड़ा गुनाह कर देता और खुदा अगर साबर ना होता तो वो 15वें साल के 6वें महीने में मुझे मार देता, और फिर 20वें साल के अंदर मैं पादरी नहीं बनता। उसके सबर ने पूरा काम किया और 5 साल और इंतज़ार किया, और ठीक 15 साल के 5वें साल के बाद मैंने माफ़ी मांगी और मैं खादम बन गया। मुमकिन है, बहुत मुमकिन है, आप अपनी जिंदगी के 30वें साल के अंदर बहुत बड़ी गलती पर थे और उस गलती के बरअक्स ये नतीजा निकलता कि आपको ख़त्म कर दिया जाता। लेकिन खुदा ने वैसा नहीं किया, बल्कि उसने मोहब्बत में क्या किया? सब्र, इंतज़ार किया, और फिर इंतज़ार का नतीजा ये निकला कि हमने उसके आगे घुटने टेक दिए, माफ़ी मांगी और उसने हमें माफ़ कर दिया। आमीन। सो मोहब्बत के अंदर जो है वो सब्र है, वो साबर है। कई मर्तबा लोग जो हैं वो मुझे बताने लगी, मेरी वाइफ के एक बहन थी तो वो मुल्क में आई, किसी और मुल्क में, और उसने अपने हस्बैंड से नहीं पूछा था। वो जैसे ही वापस गई उसके हस्बैंड ने उसे डाइवोर्स दे दिया, फौरी तौर पे उसे तलाकनामा लिख दिया। लेकिन मोहब्बत जो है उसके अंदर सब्र है। जब आपकी ज़िंदगी में लव है तो फिर आपकी ज़िंदगी में ठहराव भी है, वेट भी है, आप इंतज़ार करते हैं अच्छे वक्त का, फौरन रिएक्ट नहीं करते। मोहब्बत सब्र करती है। रूह की मोहब्बत जब दाखिल होती है तो वो उसमें क्या पैदा करता है? सब्र। खुदा ये देखता है कि हमारा लव, हमारी मोहब्बत कितनी खालस है, कितनी प्योर है, उसमें सब्र है, साबर है। और याद रखें, शैतान के साथ लड़ने के लिए यू डोंट ओनली नीड, जैसा इफिसियस के खत में लिखा है, रास्तबाजी और फिर सुलह सलामती के जूते, नजात का खोद, तलवार, दिस एंड दैट, ये सब चीजें बहुत बात की हैं। अब्लीस के साथ लड़ने के लिए सिर्फ मसीह की मोहब्बत ही काफी है। अगर हम उसमें लिपट जाएं तो हमारी मोहब्बत ही अब्लीस को तहस नहस कर सकती है।
This is enough. खुदा ने अबलीस से मुकाबला करने के लिए और हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह के हाथ में कोई बहुत बड़ी कमान और वो तीर नहीं दिया हुआ. He never do it. आपने यीशु मसीह के हाथ में किसी तस्वीर में देखा है, उन्होंने कमान पकड़ी और हाथ में बहुत बड़ा तीर है और वह कह रहे हैं मैं शैतान को मारूंगा. आपने देखा हो कि यीशु के हाथ में बहुत बड़ी जो है सिखों की तरह तलवार हो. नो, इवन दो कोई बॉम्ब कोई क्लेशन कोप नहीं. उसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया हमसे, मोहब्बत. और उस मोहब्बत की वसीला से दुनिया में बहुत सारे लोग यीशु को कबूल कर रहे हैं. दिस इज लव, दिस इज लव, दिस इज लव. तो कई एक बदरूहे, कई एक जादूगर अबलीस के लिए बहुत बड़ा और खतरनाक जो वेपन है वो लव है, मोहब्बत है. क्योंकि अबलीस मोहब्बत नहीं करता, नाटक करता है और धोखा देता है. सो मोहब्बत में पहली बात क्या है जी, सबर है. नंबर टू, मोहब्बत मेहरबान है. क्या करती है? मेहरबानी, मेहरबानी करती है, मेहरबान का रवैया रखती है. मेहरबान का क्या मतलब है कि किसी भी शख्स पर रहम करने के लिए मोहब्बत तैयार रहती है और हमेशा गुस्से में इरिटेटेड बिहेवियर में नहीं रहती, मेहरबान है. एंड नंबर थ्री, मोहब्बत के अंदर जो है वो हसद नहीं है. हसद का मतलब है अपनी जगह पर किसी और को ना आने देना. लेकिन लव के अंदर ऐसा नहीं है, मोहब्बत अपनी जगह दूसरे को देती है. फिर लिखा है कि मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं है, प्राउड नहीं है उसके अंदर, ना जेबा काम नहीं करती, ऐसा काम नहीं करती जिससे दूसरा डिसऑनर हो, ऐसा काम नहीं करती जिससे उसकी इज्जत हो और दूसरे की बेइज्जती हो, अपनी बेहतरी नहीं चाहती. अंडरस्टैंड इट, ये लव है जो अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती और बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है. सब कुछ सह लेती है, सब कुछ और सब चीजों का यकीन करती है. दिस इज लव. मैंने ये तजर्बा किया है, सबसे ज्यादा मैं दोनों ही खिताब बोलूंगा, आप जिस भी हलके में जिस भी फरिश्त में आते होंगे आप इसे कबूल कर लीजिएगा. सबसे ज्यादा ईसाई मसीह क्रिश्चियन लोग एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, ये अजमाई हुई बात है. सबसे ज्यादा ईसाई कह लो, मसीह कह लो, क्रिश्चियन कह लो, एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं. सबसे ज्यादा ये कम्युनिटी एक दूसरे को ईंटे मारती है और एक दूसरे पर लानत करती है. बिलीव मी, इस कम्युनिटी का कोई MNA बन जाए तो वो किसी के साथ नजर ही नहीं मिलाएगा. अच्छी गाड़ी पे बैठ जाए वो सलाम करना पसंद नहीं करेगा, अच्छी कुर्सी पे बैठ जाए वो मिलना पसंद नहीं करेगा. और मैंने ये देखा है साढ़े कृष्णा का कोई जानन वाला है तो ओदा लग जाए वीजा तो असं कहने ओ मरना मून चल है तो इतने जलीलो खवार हुंदा सी. चलो चूंचू की बात नहीं है, कहते हैं ऐसा, ऐसा कहते हैं रिश्तेदारों में ऐसा है.
नाल हिंदू सिख मुसलमान वो कैनेडा जाए अमरीका जाए सानू कोई परवाह नहीं। ओ ऐ बख्तावर ने ओ लेंटर पा लेता है इन्हों की तो औकात ही नहीं इन्हों का लेंटर ही चो पवे डिग जाए। सबसे ज़्यादा हम एक दूसरे पर लानत करते हैं और सबसे ज़्यादा क्रिश्चनों के घर पुराने हैं, मंशियात की लानत के नीचे है, जादूगरी की लानत के नीचे है, कर्जे की लानत के नीचे, क्योंकि हम एक दूसरे पर अब्यूज करते हैं। लेकिन बाइबल की तालीम इससे बरक्स है, हमें एक दूसरे पर बरकत देनी है। हम रूहानी इज़राइल हैं, जब हम एक दूसरे पर बरकत करेंगे तो खुदा भी हम पर बरकत करेगा। लेकिन जो तुझे मुबारक कहेगा उसको मैं मुबारक कहूँ, जो तुझे बरकत देगा उसे मैं बरकत दूंगा। आप जब एक दूसरे को बरकत दे, जब कहते हैं बेटा आपको खुदावंद बरकत दे, तो आप ज़मीन पर कहते हैं बेटा तुझे बरकत दे, तो खुदा आसमान पर कहता है बेटा मैं तुझे बरकत दे दूँ क्योंकि तूने मेरे बेटे को बरकत दी। दिस इज लव, दिस इज लव, सो लर्न इट। क्या अगर हम रूहानी हैं, रूह से मामूर हैं, तो हम एक दूसरे की बेहतरी चाहें, बदगुमानी ना करें, रूह से मामूर हो। यह मेरी तालीम नहीं है, यह खुदा के कलाम की तालीम है, यह रूह की तालीम है, यह मैंने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ी है। और लिखा है मोहब्बत सब बातों की उम्मीद रखती है। देखें खुदा हमसे ऐसी मोहब्बत रखता है कि वो हम पर उम्मीद रखता है और सब कुछ सह लेता है, फिर भी अपनी बाहों को हमारे लिए फैलाए रखता है। दिस इज गॉड। फिर लिखा है सब बातों की बर्दाश्त करती है, और फिर ऐसी मोहब्बत को जिस मोहब्बत के बारे में मैंने आपको बाइबल मुकद्दस में बताया है, लिखा है ऐसी मोहब्बत को जवाल नहीं है। आमीन, 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 आमीन। मोहब्बत जीत जाती है, आपकी मोहब्बत नहीं जीतेगी। आप भला किसी के साथ आशिकी करते हो, आपका मेरी मोहब्बत जीत है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं यीशु की मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, क्रिश्चियन लव की बात कर रहा हूँ, क्राइस्ट लव की बात कर रहा हूँ। मसीह की मोहब्बत जीत जाती है, फतेह होती है, उसकी सूली खाली है और उसकी मोहब्बत की कब्र भी खाली है। दिस इज लव। लेकिन ऐसी मोहब्बत को जवाल नहीं है, सब बोले ऐसी मोहब्बत को जवाल नहीं है, फिर बोले फिर लिखा है नबूवतें हो तो माकूफ हो जाएंगी। इस मोहब्बत के खिलाफ जो मसीह के साथ ऐसी खालस मोहब्बत है, उसके खिलाफ अगर नबूवतें भी हो तो वो क्या होंगी, माकूफ होंगी। अगर आप मसीह से रेल मोहब्बत करते हैं, हो सकता है कोई पीर, कोई फकीर, कोई पलामानस शख्स के तो मेरा काम नहीं किया, जा दुर फिटे मुँह, तो आप कहो ये मेरे तो उन्हें फिटे मुँह कर देते, मैं तो मर जावांगी। डू नॉट, आपकी मोहब्बत उन तमाम लानतों को जो आप पर की जाएगी आपको उससे महफूज रखेगी। दिस इज द लव, उसको जवाल नहीं है, ऐसी मोहब्बत को जवाल। सो जितना ज्यादा आप मसीह यीशु से मोहब्बत करते हैं, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखें कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी मोहब्बत को जवाल नहीं होगा, ये बढ़ेगी और बढ़ती चली जाएगी। आमीन। और फिर लिखे कि जुबानें होंगी तो जाती रहेंगी, इल्म होगा तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकस है, हमारी नबूवत ना तमाम, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकस जाता रहेगा। कामिल क्या है, मोहब्बत। परफेक्ट क्या है, लव। इसलिए खुदा ने इस सीजन में हमारे लिए आसमान की मोहब्बत को भेजा है और उसका नाम यीशु मसीह है।
जिसको कोई हरा नहीं सका, ना जुल्म, ना अदालतें, ना मौत, ना खौफ, ना भूख, ना प्यास, ना दुश्मन, ना साजिशें, ना रुकावटें, ना कोई फंदा, ना कोई लालच, उसकी मोहब्बत हारी नहीं है। उसने उसके सामने पत्थर रखे हैं कि इन्हें रोटी क्या बन जाए, उसने उसके सामने शान और शौकत रखी है कि सजदा कर मैं तुझे दूं, उसने हर तरह की उसे ऑफर दी है, लेकिन वो मोहब्बत जवाल पजीर नहीं हुई है, क्योंकि वो खालस मोहब्बत है। सो जब हम मसीह से पहली मोहब्बत करते हैं तो फिर सारी मोहब्बतें जो दुनिया की हैं वो दूसरे दर्जे में चली जाती हैं, दुनिया की जरूरतें दूसरे दर्जे में चली जाती हैं, हमारा पहला दर्जा खुदा के साथ जुड़ जाता है और फिर खुदा हमारी जिंदगी में उन दर्जात की बनिस्बत मुख्तलिफ नताइज को अखस करता है जिसे दुनिया देख कर दंग रह जाती है। आमीन। सो मोहब्बत देती है, लेती नहीं, हर वक्त एक्सपेक्ट नहीं करती मुझे मिले मिले, मोहब्बत देती है। खुदा ने हमसे मोहब्बत की, उसने दिया है। दिस इज लव। हमने अपनी जिंदगी में मोहब्बत को लेना है और जब हम मोहब्बत लेंगे, ये मोहब्बत भी बहुत बड़ी आग है जो दुश्मन को जला देती है। आमीन। जो आपके खिलाफ फंदों को नाकाम कर देती है। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.